लतो आर एफ एस एंड डिजाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मशीन का डेमो देने वाली हूं कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। पीछे वाली वीडियो में मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मशीन है ब्रदर ब्रांड की और इसका जो मॉडल है वो है FS101, जो फुल्ली कम्प्यूटराइज्ड मशीन है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको इसको हमने यूज क्या किस तरह से करना है। इसका फुल डेमो मैं देने वाली हूँ, जो भी आपको जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस तरह से भी परचेज करना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले हमें इसको प्लग इन करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, ये जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको प्लग दिख रहा होगा। तो ये वायर हमें मिलती है इसके साथ, जो मैंने आपको दिखाई है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पहले लगाएंगे स्विच के साथ यहाँ पर, और यहाँ से हम इसको स्विच को कर देंगे ऑन, ठीक है। अगर देखिए आप इसको इसके साथ जोड़ना चाहते हो, जो फुट पैडल हमारा मिलता है साथ में, अगर ये तो होगी जैसे हम डायरेक्ट यहाँ से बटन इसका ऑन ऑफ का मिलता है, यहाँ से इसको चला सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप फुट पैडल के साथ इसको चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपने इसको जोड़ना है। तो अभी मैं इसको नहीं जोड़ रही हूँ उसके साथ, ये देखिए ये जो बैक साइड होगी आपकी मशीन की, ठीक है। तो पहले हम इसको सीधा ही चलाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने वहां से देखिए ऑन कर ली है। अब यहाँ पर भी आपको इसी तरह से ऑन ऑफ का बटन मिलता है, ये देखिए ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब जब जीरो की तरफ होगा तो ऑफ होगी, जब वन की तरफ होगा तो मतलब हमारी मशीन ऑन हो गई। ये देखिए, ये हमारी मशीन यहाँ पर ऑन हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब सबसे पहले देखते हैं, तो उसको हम पहले धागा लगाएंगे, उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। तो यहीं से ही हम उसको ऑफ कर देंगे, पीछे से ही हम इसको ऑफ कर देंगे। बताती हूँ आपको धागा कैसे भरेंगे हम बॉबिन के अंदर, इसमें बॉबिन में धागा कैसे भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे ये जो हमारी, इसको जब आप पुश करोगे यहाँ पर देखिए जो स्पेस बना हुआ है, इसको अगर आप इस तरफ को पुश करोगे तो बहुत इजीली ये खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए खुल गया है, अब इसको बाहर हम निकाल देंगे। यहाँ पर आपको बॉबिन मिलेगी अंदर, ये देखिए। और इसके साथ मैंने यहाँ पर आपको बताया था जो हमारे स्टोरेज के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, उसके अंदर भी आपको तीन बॉबिन यहाँ पर मिलेंगी। तो इसमें सबसे पहले हम धागा भरेंगे, ये देखिए हमारी बहुत ही आसानी से ये निकल गई। अब इसमें सबसे पहले धागा भरेंगे, तो मैं बताती हूँ आपको किस तरह से हम धागा भरेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम ले लेंगे धागा, जिस भी कलर का आपने भरना है उस कलर का आप धागा ले लीजिए। अगर मोटे वाला जो थ्रेड आता है वो भी ले सकते हो, इस तरह से आता है वो भी ले सकते हो। अगर आप इस तरह से ले रहे हो तो देखिए, जो मैंने आपको दिखाई थी पहले टूल किट जो हमारी मिलती है इसके साथ, उसमें देखिए स्पूल मिलते हैं, एक ये छोटे वाला मिलेगा, एक ये बड़े वाला मिलेगा। अगर आप बड़े वाला धागा लगा रहे हो तो आपको ये लगाना पड़ेगा, अगर छोटे वाला लगा रहे हो तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, इसको हम जब नीचे की तरफ को पुश करेंगे यूं तो बहुत इजीली ये खुल जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर अब हम धागा लगाएंगे, ये देखिए धागा हमारा इस तरह से हम लगाएंगे इस धागे को। ये धागा हमने बाहर की तरफ रखना है, यहाँ पर हम इसको लगाएंगे, ये देखिए बाहर हमने लगा लिया। और इसके साथ ये जो स्पूल दिया है इसको हम यहाँ पर यूं लगा लेंगे, इससे लॉक हो जाएगा फिर हमारा ये। ये देखिए इस तरह से हमने लगाना है ये। तो अब ये जो यहाँ पर देखिए, जो बॉबिन हमने ली है इसको हम, ये जो ए वाला हिस्सा है ये बॉबिन के लिए दिया है, तो यहाँ पर हम अपनी बॉबिन को अटैच कर देंगे, लगा देंगे, ठीक है। ये बहुत इजीली लग गई। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से धागा भरना है हमने। तो ये देखिए धागा हम ले जाएंगे, और इसके साथ देखिए आपको यहाँ पर भी ये जो ऊपर मशीन में दिया है ये भी हमें बताता है, ये हमें बताता है कि किस तरह से हम धागा, इसमें जो हमने बॉबिन अपनी भरनी है तो उसमें किस तरह से हम धागा भरेंगे, या ये स्टेप भी आप फॉलो कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम पहले ले जाएंगे, और यहाँ पर देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ से हमने अंदर धागा डालना है, यहाँ से देखिए अंदर हम धागा डालेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो कॉर्नर बना है ये भी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगी, ये देखिए यहाँ से हमने यूं लाना है इसको, ये देखिए यूं हम धागे को यहां से लाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहां से आ गया ये, अब ये वाला जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो इससे हम यूं लाएंगे, ये देखिए बाहर से हमने लाना है इसको, और एक बार इसको यहां पर यूं घुमाएंगे,
ये जो गोला बन रहा है देखिए यहाँ पर यूं घुमाएंगे, फिर अगेन फिर से इस तरह से घुमाएंगे और फिर आगे धागा यूं ले आएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से ले आएंगे धागे को। और अब ये फिल किस तरह से करना है, यहाँ पर हमें 3-4 राउंड अपने हाथ से ही फिल करने पड़ेंगे, वो भी यहाँ पर देखिए शो किया हुआ है। उसके बाद किस तरह से करोगे, तो 2 के बाद ये दूसरा स्टेप है, उसके बाद तीसरा देखिए हम धागा बाहर की तरफ से लाएंगे, धागा बाहर की तरफ से लाएंगे और यहाँ पर हमने 3-4 राउंड घुमाने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये घुमा लिया 3-4 राउंड हमने। अब इसके साथ जो नीचे देखिए स्पेस है, यहाँ पर आपको कटर दिया है, तो जब आप पीछे ले जाओगे इसको तो धागा आपका इजीली कट हो जाएगा। ये कट हो गया है। अब इसको हमने ये आपको इस राइट साइड की तरफ को पुश करना है। ये जब आप देखिए राइट साइड की तरफ को पुश करोगे तो इसके साथ ही अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको अपनी मशीन को पीछे से ऑन करना है, जो मैंने आपको बताया था बटन 0 और 1 वाला, वहां से आप इसको ऑन करोगे। तो ये आपने देखिए ऑन कर दिया, अब हमारा ये धागा इसमें फिल होगा। तो ये यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्पीड हमारी, ये जो जब हम इसको लेफ्ट साइड की तरफ को रखेंगे तो ये मतलब स्लो स्पीड होगी, जब हम सेकंड में रखेंगे इसको सेंटर में तो इससे इसका मतलब है हमारी मीडियम होगी, और जब थर्ड में रखेंगे तो हमारी, ये देखिए यहाँ पर सेकंड में रखा और ये थर्ड में, तो इससे हमारी स्पीड ज्यादा होगी। फिर ये 3 स्पीड कंट्रोलर इसमें दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम लो पे रखते हैं इसको, ठीक है। और ये हमारा देखिए ऊपर जो फुट है वो ऊपर ही होना चाहिए जब हम इसमें धागा फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, ये देखिए ये वाला बटन आपको जो दिख रहा है पहला एरो वाला, यहाँ से ये ऑन होती है और यहाँ से ये ऑफ हो जाती है। तो इसको जब फिल करेंगे देखिए जितना भी धागा आपको चाहिए वो फिल होता रहेगा, अगर आपने कुछ गलत किया है तो इसमें एरर दे देगी ये। फिर अगर आपको देखिए जैसे स्पीड बढ़ानी है तो ये देखिए जल्दी जल्दी धागा भरेगा इसमें, और ज्यादा स्पीड चाहिए तो देखिए, और जब आपको रोकना है तो आप इसी बटन को पुश करोगे। देखिए ये देखिए धागा हमारा फिल हो चुका है यहाँ पर देखिए। अब इसको हम फिर से इस तरफ को लेफ्ट साइड की तरफ को घुमाएंगे, ये देखिए, और ये हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। इसी के साथ हम इस धागे को देखिए कट कर लेंगे यहाँ पर, और इसको अब हम नीचे, चलिए अब हम इसमें धागा डाल लेते हैं। किस तरह से डालेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए आपको मशीन ऑफ कर लेनी है, जब आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको पीछे से जो स्विच दिया गया है वहां से आपको मशीन ऑफ कर लेनी है, कहीं हमारी मशीन चल ना पड़े इसीलिए। ये देखिए अब ये जो धागा है देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड की तरफ को यूं होना चाहिए, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, ये धागा हमारा इस तरह से लेफ्ट साइड की तरफ को होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बॉबिन को अपने लगाएंगे अंदर, ये देखिए इस तरह से हमने डाल दिए। अब यहाँ पर आपने ये जो स्पेस है देखिए यहाँ से आपको लेके जाना है, ये देखिए इस तरह से ले जाओगे, और यहाँ पर आगे आपको कटर दिया है तो यहाँ से ले जाना है, ये देखिए इस तरह से ले जाओगे और यहाँ पर आपका धागा अपने आप ही कट हो जाएगा। इधर कटर दिया है और ये देखिए यहाँ पर भी आपको दिया है कि किस तरह से आप धागा लगाओगे, बॉबिन को सेट किस तरह से करोगे, ठीक है। तो अब उसके बाद हम कैप लगा लेंगे इसकी, तो कैप ये देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा, और यहाँ पर आपको लगाना है इसको, और इसको बहुत इजीली आपका ये लग जाएगा। चलिए ये बॉबिन में हमने धागा तो डाल लिया और बॉबिन भी हमने लगा ली, अब हम देखेंगे कि इसमें हम धागा किस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बॉबिन के लिए लगाया था, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, ये वाला धागा हम यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि ये सिर्फ बॉबिन के लिए है, ये देखिए ये हमने निकाल दिया। अब फर्स्ट स्टेप तो हमारा वही रहेगा, देखिए यहाँ पर पहले वाला स्टेप में हमने इसी तरह से धागा डालना है, अब उसके बाद देखिए दूसरे में फिर से वैसे ही हमने यहाँ से ले जाना है, यहाँ पर देखिए यहाँ से ले जाएंगे और नीचे यहाँ से देखिए ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको मिलेगा भी 2 लिखा हुआ, तो वहां से आपने ले जाना है।
अब यहां पर थ्री लिखा है, देखिए यहां पर थ्री लिखा है, तो मतलब यू टर्न है यहां से, यहां से आपको ऊपर ले जाना है, यहां से देखिए आपको दूसरी तरफ को इसको ले जाना है, बहुत ही आसानी से आपका धागा आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। और यहां पर देखिए ये यहां पर आपको ले जाना है, और यहां से दूसरी तरफ को आपको फिर से टर्न करना है, यहां जो आपको अंदर दिख रहा है ना, जो ऊपर नीचे जाता है, ये देखिए यहां पर अंदर, उसके अंदर ये धागा जाना चाहिए। तो ये देखिए धागा हमारा अंदर ये चला गया, जरा जूम करके दिखाऊंगी यहाँ पर, ये देखिए ये अंदर, ये वाला हिस्सा इसमें अंदर धागा जाना चाहिए, तो ये इजीली चला जाता है, ये अगर आपका ऊपर होगा, ठीक है। अब हमने यहां से धागे को ले जाना है नीचे, ये हम नीचे ले आए यहां पर अपने धागे को। अब यहां पर देखिए ये वाला हिस्सा, ये आपको दिख रहा होगा जो सुई के साथ है हमारा, तो वहां पर यहां पर देखिए इसके अंदर हमारा धागा जाना चाहिए, ये देखिए यहां पर। अब देखिए ये सबसे पहले हम इस पैर को नीचे कर लेंगे, तो इसके लिए देखिए यहां पर पीछे दिया है ये, यहां पर देखिए इसको जब आप नीचे करोगे, ये देखिए यहां पर दिया है, इसको जब ऊपर करोगे तो ये मशीन का पैर ऊपर हो जाता है, जब आप नीचे करोगे तो ये नीचे हो जाता है, तो इसको आपको नीचे रख लगे बना दे। यहां पर देखिए इस तरह से करेंगे, फिर धागे को यूं, और इसको छोड़ दोगे तो धागा यहां पर देखिए हमारा इंसर्ट हो गया है, यहां पर देखिए ये धागा हमारा इंसर्ट हो गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे अब। तो सबसे पहले तो हम मशीन को ऑन कर लेंगे, ऑन हो गई हमारी मशीन, और अब देखिए अब हम यहाँ से पहले नीचे से जो ये पीछे वाला हिस्सा दिया गया है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला, इसको आप घुमा के आगे पीछे जैसे कर सकती हो, ये देखिए इसीलिए दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले नीचे वाला धागा भी निकालेंगे ऊपर, तो ये देखिए हमारा नीचे वाला धागा भी ऊपर निकल गया है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इन दोनों धागों यहाँ से ऊपर उठाएंगे और पहले ये धागे हम पीछे कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको कपड़े के ऊपर चलाना सिखाती हूँ इसको। सबसे पहले तो देखिए अगर यहाँ पर देखिए आपको कितने सारे स्टिच मिल रहे हैं, तो इसमें जैसे बटन होल है, बटन होल अगर आप करोगे, बटन जो काज बनाओगे, तो उसके लिए देखिए हमारा फूट अलग से लगता है, ये यहाँ पर बता देता है कि कौन सा फूट आपको यूज करना है। जैसे देखिए यहाँ पर 00 लिखा हुआ है, ये स्टिच लेंथ है, कितनी हमारी स्टिच की लेंथ और विड्थ होगी, तो वो यहाँ पर दी है, जो हम यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ से हम कम ज्यादा कर सकते हैं। और फूट का नाम भी देखिए ऊपर लिखा हुआ है, मतलब अभी जो हम 00 स्टिच बनाएंगे, जो स्ट्रेट स्टिच होता है, उसमें जे फूट लगेगा, तो ये हमारा जे फूट यहाँ पर लगा हुआ है मशीन में, तो यहाँ पर ये सब कुछ बता देती है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको सीधी सिलाई ही यहाँ पर करके बताऊंगी, तो कपड़े को हमने यूं रखना है, ये देखिए इस तरह से रखेंगे, और ये देखिए ये हमारी सबसे लो स्पीड है, जो सबसे कम स्पीड होगी, ये देखिए इस तरह से होगी, और जब मैं इसको थोड़ा सा मीडियम करूंगी तो ये हमारी मीडियम स्पीड पर है, और ये देखिए इसी में मैं हाई स्पीड आपको करके बताऊंगी, और यहीं से ही हम इसको रोक देंगे, ये देखिए यहां पर ही जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यहीं से ही रुक जाएगा ये, ठीक है। और जब ये देखिए ऊपर वाला स्विच जो आपको दिख रहा है, पहला नीडल जिसमें बनी हुई है, इसको जब आप दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नीडल ऊपर आ जाएगी इस तरह से, और यहां से हम ऊपर करेंगे इसको, और फिर यहां से हम धागा निकाल लेंगे। ये पीछे देखिए यहां पर आपको थ्रेड कटर दिया है, तो यहां पर आप इस तरह से थ्रेड को कट कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रेट स्टिच जो मैंने आपको करके बताया। अब इसके अंदर मैं कुछ आपको एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन करके बताती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अपनी स्पीड कम कर लेंगे, तो यहां से देखिए मैं कोई भी नंबर सिलेक्ट करती हूँ, जैसे कि मैंने यहां पर बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्लस हम जब दबाएंगे, ये वन आ गया, ये टू आ गया, ये टू हो गया। अब यहाँ पर हमें सेवन ले जाना है, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे,
27। ये देखिए यहाँ पर 27 हमने ये सिलेक्ट कर लिया। सॉरी, इसमें एन नंबर का फूट लगेगा क्योंकि ऊपर लिखा है एन, तो मैं कोई और स्टिच करके आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अभी हम करेंगे देखिए 22, और यहाँ से जब हम जीरो करेंगे, ठीक है, 20 नंबर का स्टिच में यहाँ पर जिसमें जे फूट ही लगा हुआ है, देखिए ऊपर लिखा भी होता है जे, तो ये करके बताऊंगी 20 ये वाला। ठीक है, तो अब देखिए स्टिच लेंथ हमने छोटा ही रखना है, अभी कम ही रखनी है आपको, तो यहाँ से जब हम दबाएंगे इसको तो ये होगा देखिए इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से अपनी नीडल को ये दे देंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर पहले हम धागा कट कर लेंगे पीछे। अब ये देखिए फ्रंट साइड से जो हमने किया, और ये देखिए बैक साइड से, तो कितनी सफाई से काम हो रहा है इसमें। अब एक और स्टिच मैं करके आपको बताती हूँ, इसमें कोई और स्टिच, चलिए देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर करके बताऊंगी। ये 18 ए वाला स्टिच देखिए अब हम करेंगे 18, तो ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमारा 20 यहाँ पर, पहले हमने 20 किया था, तो अब हम 18 करेंगे, तो इसको हमने माइनस करना है, 1 हो यहाँ पर हो गया, और इसमें हम देखिए यहाँ से भी माइनस जब जाएंगे तो ये आसानी से यहाँ पर देखिए 18 हो गया। अब हम 18 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से फिर से देखिए आपको सिर्फ स्टिच सिलेक्ट करना है, इसमें बहुत ही इजी है ये ऑपरेट करने में, थोड़ा सा आपको शुरू शुरू में लगेगा कि मुश्किल है, बट आप जब देखिए करते हो तो शुरू में आप स्पीड थोड़ी कम ही रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका कपड़ा नीचे फंस जाए। अगर आप जब भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी के जो भी स्टिच कर रहे हो तो उसमें इंटरफेस नीचे आपकी जरूर लगी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका कपड़ा फंस जाएगा नीचे मशीन के अंदर, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब आप स्पीड थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हो, यहां से ही देखिए मैं हम अपनी मशीन को अब रोक देंगे, और यहां से नीडल को पोजीशन देके हम इस धागे को निकाल देंगे। तो ये देखिए ये हमारा सेकंड डिजाइन भी यहाँ पर देखिए बन गया है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुली बना है ये डिजाइन भी, ये देखिए। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे 100 स्टिच आप बना सकते हो, जो भी यहाँ पर 100 स्टिचेस दिए गए हैं, इसी तरह से आप सिलेक्ट करते रहिए और इसी तरह से बनाते रहिए, आप बना सकते हो। तो बस आज की वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताऊंगी, अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हो आगे मैं बताती रहूंगी आपको अलग अलग तरह से, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में सब कुछ पूरा तो सब कुछ नहीं सिखा सकती, बट इतना मैंने जो आपके लिए जरूरी था वो मैंने सिखा दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, कैसा लगा प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ से आपको जब भी आप देखिए मशीन बंद करते हो, नीचे से आपको पहले पीछे से इसको ऑफ कर लेना है, यहाँ से आपको ऑफ कर लेना है, फिर आपको पीछे से स्विच से ऑफ करना है, जो मेन स्विच है वहां से ऑफ कर लेना है और इसको निकाल लेना है इस तरह से। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।